এবার যুক্তরাষ্ট্রে সফর করতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা। দেশটা গণতান্ত্রিক, নির্বাচনও তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কিন্তু এই নির্বাচন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন? নেপথ্যে কাজ করছে বিশ্ব ভূ রাজনৈতিক পরিকল্পনা। নির্বাচনের আগে তিন মাসে চার দেশ সফর করতে চলেছেন শেখ হাসিনা। আসসালামু আলাইকুম নাজরীন, মই হুম এহসান খান, মই হুম আলী মুর্তজা, আর আপ দেখ রহে হ্যায় হামারা ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিয়াকশন উইথ এহসান। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया की ये रिपोर्ट है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि शेख हसीना ने अब अमेरिका का सफ़र करना है, यानी उसके वो विजिट पर जाएगी। और क्या बांग्लादेश के अब अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या अब जो बाइडन ने जो एग्रेसिवली अपनी पॉलिसी जो अपनाई हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसको वो बदलने जा रहे हैं? और क्या अब जो मामला हैं वो ठंडे होते हुए नज़र आ रहे हैं? लेकिन आपको ये बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया ये भी कह रहा है, हमारे पास वो वीडियो वो भी देखेंगे, कि इसने अब जाना है यूनाइटेड नेशन में, समिट है जी, उसको जाके अटेंड करना है। फिर उसके बाद इन्होंने एक विजिट करना है शेख हसीना ने ब्रिक्स में, फिर उसके बाद G20 समिट इंडिया जाना है, ये एक बार फिर इन्होंने अमेरिका फिर जाना। तकरीबन चार जो है विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखें किस तरह से अगर अमेरिका जो है वो अपने वही ओछे हथकंडे और अपनी वही गंदी पॉलिसियां जो है वो आजमाएगा, वो चलाएगा, तो फिर जो है मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो है वो इस तरह से चलते रहेंगे। सिर्फ बातचीत तो होगी, बातचीत की हद तक ये भी कह रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर शेख हसीना के साथ जब मुलाकात होगी अमेरिकन ऑफिशियल्स की जी, अगर उन्होंने वो ही बार बार दोहराया कि हमें सैन मार्टिन चाहिए, तो फिर तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। अगर उन्होंने कहा ठीक है जी, हम सैन मार्टिन के अलावा आपसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं कि बर्फ है जो पिघलना शुरू हो जाएगी, यानी जो रिश्ता है सोचेंगे कुछ डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ सोचेंगे फिर। लेकिन आपको ये भी बताएं व्यूअर्स के, अब जो ये वेस्ट बंगाल मीडिया है ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है के आने वाले दिनों में शेख जो अंडर सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, जिसने आपको पता है कि साउथ एशिया के लिए वो डिप्लोमेटिक कली उनके बड़े वो जनाब साउथ एशिया में एक्टिव होते हैं, वो आपको पता है कि पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज हुआ था वो जो साइफर इमरान खान लहराते हैं, वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने ही लिखा था जिसकी वजह से रिजीम चेंज हुआ। बिल्कुल, वो पाकिस्तानियों के दिमाग में बसते हैं, दिलों में नहीं, बल्कि क्योंकि वो हिट लिस्ट में पाकिस्तानियों के वो ही डोनाल्ड लू अब जनाब उसमें आ रहे हैं, बांग्लादेश में आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं आप क्या पैगाम लेकर आए हैं, क्या जो अमेरिका वो पीछे हट गया अपने स्टांस से, अब होने क्या जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट है। जी हाँ, पहले हम वीडियो देखते हैं वेस्ट बंगाल मीडिया की, ये जो वीडियो है पहले और देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से भी हमें आगाह किया करें। वीडियो देखते हैं पहले, 3-2-1 एंड क्यू। এবার যুক্তরাষ্ট্রে সফর করতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা। দেশটা গণতান্ত্রিক, নির্বাচনও তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কিন্তু এই নির্বাচন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন? নেপথ্যে কাজ করছে বিশ্ব ভূ রাজনৈতিক পরিকল্পনা। নির্বাচনের আগে তিন মাসে চার দেশ সফর করতে চলেছেন শেখ হাসিনা, এটা তার মাস্টার প্ল্যান অবশ্যই। তাহলে কি নির্বাচনের আগেই দেশটা নিজেদের ঘুঁটি মজবুত করতে চাইছে? যুক্তরাষ্ট্র সফরে কি মিটে যাবে তাহলে মনোমালিন্য? বাংলাদেশের কাছে জুলাই, অগস্ট আর সেপ্টেম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র সফরে শেখ হাসিনার গেম প্ল্যান কেমন হতে যাচ্ছে? আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রীতিমতো ভিসা ইস্যুতে জোর গলায় বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে না গেলে কিচ্ছু যায় আসে না, কিন্তু সম্প্রতি তার যুক্তরাষ্ট্র সফরে তুমুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু কেন? তাহলে কি তিনি সম্পর্ক মেরামত করতে চাইছেন? নির্বাচনের আগে চার দেশের সফর ভীষণ ভীষণ ভাইটাল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ দুই মিত্র ভারত আর চীনের সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। শেখ হাসিনা দেখা করতে পারেন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সরকার প্রধানের সঙ্গে। যুগান্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী জুলাইতে ইতালির ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনে একটা কনফারেন্স হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে যোগ দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন সহ জাতিসংঘের বহু সদস্য রাষ্ট্র। আর অগস্টের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছে ব্রিকস সম্মেলন, এক টেবিলে বসতে পারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সহ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তাহলে বুঝতেই পারছেন এই সময় শেখ হাসিনার বিদেশ সফর ঠিক কতটা ইম্পর্টেন্ট। সোজা কথায়, তার এই সফর
বৈদেশিক সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার সমান। এখানেই বিষয়টা থেমে নেই। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রয়েছে ভারতের G20 সম্মেলন, সেখানে যোগ দেওয়ার পর তৃতীয় সপ্তাহে রয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন, তখন শেখ হাসিনা যাবেন যুক্তরাষ্ট্রে। এই যে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সরকার প্রধানের সাক্ষাৎ হবে, সেখানে কোন কোন বিষয় স্থান পেতে পারে, এটা নিয়েই তুমুল আলোচনা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মহলে। তবে অবশ্যই দেশটির জাতীয় স্বার্থ আগে থাকবে। একটু খেয়াল করে দেখবেন, বিনিয়োগ থেকে শুরু করে দ্বিপাক্ষিক নানান সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীন এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেশ মজবুত। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের একটু অবনতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সম্পর্কে ফাটল ধরার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে জো বাইডেন আর নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনায় পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিয়ানমার গুরুত্ব পেলেও বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আশ্চর্যের বিষয়, আঞ্চলিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে অথচ সেখানে বাংলাদেশ নেই। কেন বলুন তো? নাকি দুই রাষ্ট্র এই নিয়ে কোনো কথাই বলতে চাইছে না? যেখানে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে বাংলাদেশের এত গুরুত্ব, এখানে যেমন প্রশ্ন রয়েছে তেমনি ধারণা করা যাচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে ভারত আর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি আলাদা। সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতি ঘোষণা করলেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অটুট রেখেছে। তাই আগামী দিনে শেখ হাসিনা সফরে বেশ কিছু সুফল মিললেও মিলতে পারে, নতুন সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রথম কলকাতা। अभी बस आपने ये वीडियो देखी और वेस्ट बंगाल मीडिया भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब शेख हसीना का जो विजिट है, अमेरिका का सफ़र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस दौरे को बड़ी गहरी नज़र से देखा जा रहा है। और ये यूनाइटेड नेशन में एक समिट है, वहाँ पर जा रही हैं और वो कह रहे हैं इसके साथ साथ फिर अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना की मुर्तज़ा मुलाकात है। मुलाकात में वो कहते हैं क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या वो फिर जो बांग्लादेश के ऊपर सेंशन्स लगाई जा रही हैं या फिर पाबंदियों की जो बात हो रही है उसके ऊपर कोई बर्फ पिघलेगी, यानी कोई रिलेशन बेहतर होंगे। वो ये भी कह रहे हैं अगर वो एक स्टांस से पीछे हटता है यानी अमेरिका, तो फिर हो सकता है बांग्लादेश भी पीछे एक कदम हटे। बिल्कुल, अगर वो उनका कहने का मतलब यही है कि अगर वो सैन मार्टिन टापू की जिद छोड़ देते हैं कि हम यहाँ पे नेवल बेस बनाएंगे, इस जिद को जो है वो छोड़ देते हैं, इसकी बात दोबारा नहीं करते हैं, तो फिर शायद बांग्लादेश इस बारे में जो है सोचे कि अमेरिका के साथ जो अपने ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, मजीद जो है उनके साथ जो है डील्स की जाए। इससे पहले तो देखे ना, हमने रिपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा दे दी हैं कि बांग्लादेश ने जो है अमेरिका के साथ बहुत सारी डील्स जो पहले हो चुकी थी वो भी कैंसिल कर दी हैं, एयरबस की डील जो है वो कैंसिल कर दी, उसके बाद और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो अमेरिका के साथ कैंसिल करके फ्रांस के साथ कर लिए। तो देखे ना, इससे सिर्फ बांग्लादेश को, बांग्लादेश के तो कान पर जूं तक नहीं रेंगी, उनके ताल्लुकात खराब करने से बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जो है अमेरिका वही इस चक्की में पिस रहा है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो किसके साथ ट्रेडिंग करेगा उसे ये सोचने की जरूरत है। बांग्लादेश के पास जिसके पास कोई अच्छी चीज होती है उसे ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि मैं किसे बेचूंगा या किसे मैं सेल आउट करूंगा। उसके पास बहुत से बायर होते हैं, बहुत से परचेजर होते हैं, अच्छे अच्छे परचेजर। पूरी दुनिया बांग्लादेश की चीजों की जो है तारीफ करती है और उनकी डिमांड है पूरी दुनिया में। तो इस वजह से बांग्लादेश को जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, अमेरिका को अब जरूरत है कि वो बैक स्टेप असल में इसी तनाजुर में। हाँ, मुर्तजा कुछ विजिट भी हैं शेख हसीना के, जिसमें आप, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि चार विजिट जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में भी जा रही हैं, फिर उसके बाद G20 समिट में जा रही हैं और यूनाइटेड नेशन की समिट में एक बार अब जाएंगी, फिर एक बार फिर दोबारा जाएंगी। तो ये देखें ना, ये जो बहुत ही अहम इनके विजिट हैं, सफर पे जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि कुछ नया होने जा रहा है। और शेख हसीना के बारे में कहा जाता है कि वो जो फैसला करती हैं बड़े दिल से करती हैं, डरती वरती नहीं है। खैर, अपने व्यूअर्स से इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।